हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब, स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टेस्ट फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मूवी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ हाई सर्च वॉल्यूम बेस्ड कीवर्ड्स, जिसे आप एज अ डोमेन यूज़ कर सकते हो अपनी मूवी वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने मूवी वेबसाइट्स की फुल केस स्टडी दिया था। उस वीडियो का थंबनेल कुछ ऐसा था। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यार काफ़ी लोग अपना एक खुद का मूवी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो डोमेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है कि हम किस नेम का डोमेन लें, यार कौन सा डोमेन हमारी वेबसाइट्स के लिए बेस्ट होगा। तो बस इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आपके साथ यार मैं टॉप 5 बेस्ट मतलब कि मूवी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डोमेन शेयर करने वाला हूँ, जिसके ऊपर जो ट्रैफिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपको देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर अगर आप अपनी मूवी वेबसाइट्स क्रिएट करते हो तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो बस यहाँ पे जो हमारा पहला कीवर्ड है गाइस वो है 123 MKV, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो बस अब बात करूँ इस पर्टिकुलर कीवर्ड की अगर मैं ट्रैफिक की, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 764K के आसपास इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रहा है, जिस पे यार काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो यहाँ पे 7 लाख से भी ऊपर का ट्रैफिक आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी देखो यार बिल्कुल 12 है, मीडियम है, आप इसमें 101% काम कर सकते हो। और अगर इस पर अपनी वेबसाइट बिल्ड करते हो तो काफ़ी अच्छे से यार आपको रैंकिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे क्लिक्स भी देखो यार, मतलब कि ओवरऑल ट्रैफिक के मुकाबले क्लिक्स भी काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ग्लोबल वॉल्यूम की बात करो तो 856K के आसपास यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ज़्यादातर जो ट्रैफिक है गाइस वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड यूनाइटेड अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स से भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे CPC भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा इस तरह के कीवर्ड्स पे। अब बात करें अगले कीवर्ड की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला कीवर्ड है गाइस वो है बॉलीफ्लिक्स, जिसे आप एज अ मूवी वेबसाइट डोमेन यूज़ कर सकते हो। और इस पे अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो यहां पे देखो यार बिल्कुल 0 है, 101% अगर आप इसके ऊपर अपना एक डोमेन क्रिएट करते हैं तो काफ़ी जल्दी आपको रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। और इस पे जो वॉल्यूम है गैस वो 488K के आसपास चल रहा है, मतलब कि 4 लाख से भी ऊपर इस पे आपको पर्टिकुलर कीवर्ड पे वॉल्यूम मिल जाएगा। और इसका जो ग्लोबल वॉल्यूम है यहाँ पे आप देख सकते हो 527K के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर जो ट्रैफिक गैस वो इंडिया, पाकिस्तान और भी अदर कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें अगले कीवर्ड की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला कीवर्ड है गैस वो है मूवीज फ्लिक्स प्रो। और देखो यहाँ पे जो भी मैं कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ इन पे आपको ऑलरेडी आई थिंक कुछ वेबसाइट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स को अपने डोमेन में डालते हो तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। 101% गाइस आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप सब डोमेन पे भी काम करोगे ना तो भी यार आपको ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मूवी वेबसाइट्स में यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला ट्रैफिक होता तो आपको मतलब कुछ ज़्यादा SEO वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले जो मैंने केस स्टडी डाला यार उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया, तो उस वीडियो को जाके आप देखो, अच्छे से आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करूँ अगर मैं इस कीवर्ड की वॉल्यूम की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो 685K के आसपास यहाँ पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। उसका डिफिकल्टी भी 19 है, अंडर 20 है, तो मीडियम है, आप इजीली काम कर सकते हो और रैंक भी कर सकते हो। और यहाँ पे इसका ग्लोबल वॉल्यूम की बात करूँ तो 745K के आसपास ग्लोबल वॉल्यूम है। और यहाँ पे इन कंट्री से आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया गेन कर रहा है। वहीं बात करूँ अगले कीवर्ड की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला कीवर्ड है गाइस वो है मूवीज फ्लिक्स। यहाँ पे गाइस जो कीवर्ड था वो मूवीज फ्लिक्स प्रो था, और ये पर्टिकुलरली मूवीज फ्लिक्स है, ऑल ओवर देखा जाए तो सेम ही है यार। ठीक है, तो इसे मैं एक स्किप कर देता हूँ यार। ऑल ओवर देखा जाए तो ये कीवर्ड और ये जो कीवर्ड है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अगर आप प्रो लगाते हो तो थोड़ा सा मे बी ट्रैफिक आपको इतना मिलेगा। अगर आप सिर्फ मूवीज फ्लिक्स यूज़ करोगे तो आपको यार देखो ट्रैफिक यहाँ पे 5 मिलियन के आसपास भी मिल सकता है। ठीक है, 4.6 मिलियन यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जो देखो HRF टूल जो शो करता है ना वो एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, उससे आप मतलब ये 3-4 गुना ज़्यादा ही ट्रैफिक लेके चलो। ठीक है, तो ऐसा मान के चलना। और अगर इस तरह के कीवर्ड्स आपको खुद निकालने तो गाइस आपके पास HRF टूल होना चाहिए, और इसे आप SEO टूल अडर से बाय कर सकते हो काफ़ी चीप प्राइस में। ठीक है, जस्ट आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं इसके क्लिक्स की बात करूँ तो देखो यार मतलब कि वॉल्यूम के हिसाब से ठीक ठाक क्लिक्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी मिल रहा है, और ग्लोबल वॉल्यूम भी 5.1 मिलियन के आसपास आ रहा है, और ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो इंडिया से है और बाकी अदर कंट्रीज से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कीवर्ड को यूज़ करने के मुकाबले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने सिर्फ मूवीज फ्लिक्स को ही यूज़ करना है अपने डोमेन में। ठीक है, तो मूवी फ्लिक्स प्रो यूज़ करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टेल डोमेन आपका बनेगा, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन
अगर आपको मतलब कि पर्टिकुलरली इसी कीवर्ड पे अगर ट्रैफिक चाहिए तो यार आप सिंपली आप इसी कीवर्ड को यूज़ कर लेना, ठीक है। अब बात करें अपने लास्ट कीवर्ड की, तो यहाँ पे जो हमारा अगला कीवर्ड है गाइस वो है फिल्मी वेब, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि काफ़ी लोग गाइस इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, और इस कीवर्ड पे गाइस जो सीपीसी है वो भी काफ़ी भयंकर, मतलब कि काफ़ी अच्छा वाला देखने को मिल रहा है। $0.40 के आसपास आपको सीपीसी मिल रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है। और 1.1 मिलियन के आसपास ट्रैफिक है, और ग्लोबल वॉल्यूम में बात करूँ तो 1.3 मिलियन के आसपास है, और ज़्यादातर ट्रैफिक इंडिया से है, बाकी अदर कंट्रीज आपको देखने को मिल। बाकी ये जो मैंने कीवर्ड्स आपके साथ शेयर किया था इनमें आपको सीपीसी अपडेटेड नहीं मिल रहा होगा। देखो यार, जो मूवी टाइप वेबसाइट्स पे जो भी कीवर्ड्स पे हम काम करते हैं ना मूवी से रिलेटेड, उस पे जो मे बी जो सीपीसी होता है गाइस वो 0.01 से 0.05 के बीच फॉल करता है, ठीक है। और इससे ऊपर का सीपीसी यार आपको काफ़ी रेयर केसेस में मिलता है, जैसे कि मैंने ये कीवर्ड आपको बताया फिल्मी वेब, इस पे देखो 0.40 का सीपीसी मिल रहा है, जो कि यार मतलब कि एक तरह से इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स मैंने आपको शो किया, तो ऐसा नहीं कि इनमें सीपीसी अपडेटेड नहीं है तो आपको कुछ भी अर्निंग नहीं होगा भाई। यहाँ पे आपको मिनिमम 0.02 या 0.03 के आसपास सीपीसी मिल जाएगा अगर आप इस तरह के डोमेन्स पे काम करते हो तो, ठीक है। तो गाइस ये थे टॉप 5 बेस्ट डोमेन मूवी वेबसाइट्स से रिलेटेड। तो अगर आपने इन पांचों में से किसी एक डोमेन को सेलेक्ट कर लिया अपनी वेबसाइट्स के लिए, तो गाइस बारी आती है इसे परचेज करने की। तो आप इसे गोडैडी से भी परचेज कर सकते हैं पर्टिकुलर डोमेन को, नहीं तो आप होस्टिंगर से, नहीं तो आप होस्टगेटर से भी डोमेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा, और होस्टिंग के लिए गाइस मैं आपको यही दो वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, hostinger.in और यहाँ पे होस्टगेटर का, ठीक है। इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इन दोनों में से जो प्लान आपको पसंद आता है गाइस इन दोनों वेबसाइट में, उन दोनों में से किसी भी वेबसाइट के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन बिगनर हो तो मैं आपको होस्टिंगर ही रिकमेंड करूँगा, अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल पे काम कर रहे हो तो यार आप होस्टगेटर का लेना, इंडियन सर्वर बेस्ड प्लान, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी अच्छी स्पीड आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप होस्टिंगर के ही प्लान के साथ जा सकते हो, इसका जो बेस्ट वैल्यू प्लान है इसे आपने परचेज करना है, जिसमें आपको गाइस मतलब कि 100 वेबसाइट्स मिल जाएगा, आप एक साथ मतलब कि अपने होस्टिंग पे 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये प्लान है, इसे आप परचेज कर लेना, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज की इस वीडियो में नहीं गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।